हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नवा चैप्टर है जी। चैप्टर का नाम हैगा द स्ट्रेट लाइन्स। कल्ली स्ट्रेट लाइन भी कह दूंगा, कोई नहीं थोड़े पास, ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन साडा चैप्टर हैगा। सो जे आप कंपीटेटिव एग्जाम के हिसाब न चलीए ना, तो सब तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जोमैट्री का स्ट्रेट लाइनस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो अगे जोड़े है सर्कल वगैरह ये सारा कुछ बिल्डअप होना है थोड़े को, ठीक है जी। सो जो है थोड़े को स्ट्रेट लाइन इज़ ए करव सच दैट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी करव ही होंगी है थोड़े पास, सच दैट एवरी पॉइंट ऑन लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट लाइव, मतलब आप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज़ ए करव, करव ऐसी कि जो भी इस दो पॉइंट ज्वाइन करा आ आ आ आ या आ आ वो सारे इको थान पर लाई कर, इन्नी कु गल, ठीक। डेफिनेशन नहीं कोई पूछता, पर पता तो होगा ना स्ट्रेट लाइन असं कितनी देर दे पढ़ते हैं, पर आप डेफिनेशन कदे सोची नहीं। स्ट्रेट लाइन भी एक करव होंगी है, ठीक है जी। एवरी पॉइंट ऑन लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कोई भी एवरी पॉइंट ऑन लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाई ऑन इट, ठीक है जी। सो तुसी इहनू इहदे नाल करिया, इहनू इहदे नाल करिया, कोई भी पॉइंट पकड़ोगे उहनू एनी अदर नाल ज्वाइन करोगे तो उस दे उत्ते लाई करेगा तुहाडे को, ठीक है जी। और मेन चीज़ सब तो पहला इहदे विच जिहड़ी डेफिनेशन आती है स्लोप की डेफिनेशन आती है, स्लोप की डेफिनेशन। तो स्लोप की डेफिनेशन की होंगी है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन आप किनू कहने। सो पहले आप देखिए, ठीक है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, पहले मैं लिख दा द टेंजेंट, टेंजेंट वही टैन टिग्नोमैट्री वाला टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद, विच द लाइन, दैट द लाइन कोई फर्क नहीं, दैट द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हुण आपां नूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी पता होनी चाहिए है। वैसे जदों मैं ट्रिग्नोमैट्री तुहानूं पढ़ाई है, मैं एंगल दी नोटेशन पूरी दसी है, बट चलो आपां देखदे हां तुहाडे कोल, ठीक है जी। कहिंदा ए लाइन द टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट द लाइन, ठीक है, आपां पेज बदलीए जी। सपोज मैं एक लाइन ड्रा करती, ठीक है, सो आ मैं सपोज एक्स एक्सिस ले ली है ना, ठीक है, आ थोड़ी लाइन होगी जिहड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन होंदी ना, ऐ चलती होंगी एंगल दी, पॉजिटिव डायरेक्शन ए चलती होंगी एंगल दी, ए एंटी क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो जिहड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी है। तो मैं थोड़ा डेफिनेशन की पढ़ा रहा वहाँ, मैं कह रहा द टेंजेंट ऑफ द एंगल, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, इस एंगल का ना थीटा रख लो, ये टेंजेंट थीटा ले लो, टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द गिवन लाइन, आ थोड़ी गिवन लाइन है, गिवन लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आ थोड़ी एक्स एक्सिस है, यदा मतलब एक शर्त होएगी, एक्स एक्सिस एक पॉजिटिव डायरेक्शन विच एंगल होएगा, ठीक है, तो थोड़ी जी हैगी है तो स्लोप की डेफिनेशन मिल जाएगी। हुण आप अगलिया पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करिए, ठीक है, तुसी देखिया तुसी लाइन बनाई थोड़े पास आए, ठीक है। हुण जे मैं थोनू कह स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आप आए, ये अपने आप ना कि एंगल बनाऊगी, क्योंकि एक्स एक्सिस तो गिवन है, ठीक है, थोड़ी लाइन भी एक्स एक्सिस ही है। मीनस मैं जे थोनू कह दाँ बई ये तो एक्स एक्सिस होगी, तो जिहड़ी तुसी लाइन ले रहे हो लाइन भी एक्स एक्सिस है, मैं रेडो दे उत्ते फेर दिता थोड़े कोल, इहदा मतलब एक्स एक्सिस नाल की बनाएगी, तो जिहड़ा थीटा होएगा इत्थे वह जीरो होएगा, मेरा ख्याल है थोनू समझ आ गया होएगा, क्यों आपां कहिंदे कि एक्स एक्सिस नाल थोड़ा एंगल बनाया जाए। दूजे शब्दों आपां सवाल पूछिया एक्स एक्सिस अपने आप ना की एंगल बनाते, जीरो, सो इहदा मतलब एम की होगा टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो जीरो, इहदा मतलब तुसी याद रखना जिहड़ी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है वो जीरो होंदी है, ये पहला पॉइंट है जिहड़ा तुसी रिमैंबर करना है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल ए जीरो होंदी है, ये फस्ट पॉइंट है जिहड़ा तुसी रिमैंबर करना हैगा, ठीक है जी। बहुत वधिया चैप्टर है ये तुहाडे कोल करन नूं, बहुत कुछ है इस दे विच सीखण नूं तुहाडे कोल। अच्छा, हुण जे मैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस लवां, इत्थे लै लईए, चलो नैक्सट पेज ते करदे, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, सो अगर तुसी इस तरह बनाओगे, आ एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस दे परपेंडिकुलर है, सो ए एंगल जेड़ा हैगा है ये थीटा हो गया, ये थोड़ा 90 हो गया,
ठीक है, हालांकि मेरी सिद्धि नहीं बनी है कि थोड़े को मतलब जे इनू आप सीधा रखिए थोड़े को, चलो तुसी इस 90 मान लो, जे मैं इनू मान लो सीधा करा तो इतने के जाके सीधा होना चाहिए है, ये भी परफेक्टली नहीं है थोड़े को। ठीक है, मीनस अपनी जी है 90 का एंगल बनना चाहिए है। सो 90 का एंगल जोड़ा है थोड़े को बन गया थोड़े को, सो रफली कि जो तुसी उल्टा करके कैमरा लिख रहे होंगे ना कई बार उदा बनती नहीं गई, बोर्ड तो हर तरह बन जाती। सो तुसी इस 90 वाली सिचुएशन समझो, आ सिचुएशन समझो, ये ना सोचो सर ने गलत बनाती, इतने देख लो थोड़ी एक्स एक्सिस आ होगी, आई थोड़ी वाई एक्सिस होगी, आ ये एंगल हो गया 90। सो यदा मतलब जी यदि स्लोप होगी वो टेंजेंट 90 डिग्री होगी इनफाइनाइट। सो यदा मतलब तुसी हुण ख्याल रखना है जिहड़ा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस लवेंगे आपां, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस ये इनफाइनाइट है। दसवीं चाहे कहते होंगे सी टैन थीटा नॉट डिफाइंड, हूँ नॉट डिफाइंड नहीं कहना है, टैन 90 नॉट डिफाइंड बई नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं कहना, हूँ आप इनफाइनाइट लिखेंगे बहुत ज़्यादा होगी अनंत कहते हैं जिन्होंने थोड़े को, तो यदा मतलब हले तक आपका है, हले तक आप पहली जी है पहला पेज है आप स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ी है, उस कोई गलबात है नहीं सी, तो ना पूछते हैं तो ना दिती होंगी किताब च। ठीक है, दूसरे नंबर पर मेन चीज़ साड़ी स्लोप हैगी है, इट इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, टेंजेंट मैंने टैन थीटा, ठीक है, विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन की होंगी एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस। ठीक है जी, असी एक सिचुएशन बनाती दूजे पेज से भी इदा हो सकती, इदा भी हो सकती है कोई ऐसी गल नहीं, अभी तो एंगल ही है ऑब्ट्यूज हो जाएगा, वो तो मैं सारिया पॉसिबिलिटीज एंगल के हिसाब से डिस्कस करता वहाँ। तीजे नंबर से असी क्या कि एक्स एक्सिस की स्लोप की होंगी वो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने आप ना केड़ा एंगल बनाती है जीरो का। फिर चौथे नंबर से असी क्या कि वाई एक्सिस की स्लोप की होंगी है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नाल कितना एंगल बनाती है 90 का एंगल बनाती है 90 डिग्री। ठीक है, या वाली सिचुएशन सी, तो फिर यदा मतलब थोड़े को जोड़ा है 10-90 इनफाइनाइट हो गया, तो साढ़े को वाली चीज़ होगी। सो मेरा ख्याल है जी ये वाली चीज़ थोड़ी समझ आ गई, हूँ आपां नूं घट्टो घट एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की तो स्लोप की डेफिनेशन तो पता लग गई थोड़े को। ठीक है जी, तो जे हूँ आप देखिए थोड़े पास हूँ एम इज इक्वल टू आप टैन थीटा लें, अगर थीटा एक्यूट होगा, अगर थीटा मतलब इस तरह की सिचुएशन, अगर थीटा एक्यूट होगा, एक्यूट मैंने 90 तो छोटा होंगे, फिर की होएगा 90 तो छोटा टेंजेंट पहले क्वाड्रेंट च होंगे, तो थीटा एक्यूट तो एम पॉजिटिव होएगा, तो पॉजिटिव स्लोप होएगी ना तो एक्यूट एंगल होएगा, तो मतलब पॉजिटिव स्लोप है जी थोड़े को, पॉजिटिव स्लोप तो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है जी, सो ये चीज़ आपको पता लग गई थोड़े को, अगर थोड़ी स्लोप जीरो हो जाती है, मैं थोड़ा पहले दसिया सी अगर एम जीरो हो जाए तो टैन थीटा जीरो, तो थीटा जीरो, तो थीटा जीरो आ गया थोड़े पास। ठीक है जी, तो या लाइन लाइन इज एक्स एक्सिस, या तो लाइन एक्स एक्सिस है और लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि जे तुसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे एंगल फिर भी एक्स एक्सिस नाल जीरो ही बनाओगे। सो अगर थोड़ा थीटा जीरो है तो तुसी इदा दे कंक्लूजनज निकाल सकते हो, या तो थोड़ा थीटा एक्यूट होएगा तो एम पॉजिटिव होएगा, और पेपर से पूछा जाता कि थोड़ी स्लोप कदों पॉजिटिव होंगी है, तो तुसी कह देना भी एक्यूट थीटा होएगा, थोड़ी स्लोप कदों जीरो होंगी है, जो थीटा जीरो होंगे, थीटा जीरो होएगा तो सिचुएशन की अराइज होएगी, या तो लाइन एक्स एक्सिस खुद ही होएगी या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है थोड़े पास, अगर जोड़ा थीटा मेरा हैगा ये थोड़े को, अगर मेरी स्लोप नैगेटिव आ जाए, ठीक है, यदा मतलब मैं टैन थीटा नैगेटिव रखना होगा, थीटा ऑबट्यूज होगा थोड़े को। सो ऑबट्यूज जोड़ा होंगे थीटा 90 तो वड्डा 180 तो छोटा होंगे है, तो ये आपने ख्याल रखना है जी, ये सारिया चीज़ों का आपने सिस्टम का ख्याल रखना है, की ख्याल रखना है थोड़े को, भी मेरा थीटा अक्यूट कदों होंगे, मेरा थीटा पॉजिटिव क्यों होंगे है, और तो बाद जोड़ा है लाइन एक्स एक्सिस जी हैगी है थोड़े को, ठीक है, जो मेरा थीटा जीरो होंगे तो लाइन एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरल है ये थोड़े को। ठीक है, हूँ अगर आप देखिए अगली सिचुएशन, हूँ मेरी गल ध्यान ना सुनियो,
क्या हर सिचुएशन तुहानू टैन थीटा दिता होएगा? नहीं। तो फिर किदां दे हालात हो सकते हैं? सपोज मैं ना एक लाइन बना ली, हाँ मैं लाइन बना ली, ठीक है जी। सो ये लाइन बना ली थोड़े को, वाई एक्सिस कितने भी होन वाई एक्सिस कंसर्न नहीं है, वाई एक्सिस आ लाइन बना ली, ठीक है जी। आ लाइन का एंगल थीटा है, ठीक है, पर तुहानू टैन थीटा नहीं दिता। इस लाइन के उत्ते ना थोड़ा दो पॉइंट दे देते, एक पॉइंट दे देता पी एक्स वन वाई वन, तो एक पॉइंट दे दे थोड़ी होर लंबी लै जाओ क्यू एक्स टू वाई टू दे देता, और तुहानू कहा कि इहदी तुसी स्लोप दसो। थोड़े कोल जिहड़ा हैगा है कि इहदी लाइन की स्लोप डिफाइन करन दा कोई अल्टरनेट वे है, कोई एक तरीका है कि तुसी स्लोप डिफाइन कर सको, ठीक है जी। सो इहदे लई आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे कोल, देखो सपोज मैं जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, अगर मैं इहनूं एवें नीचे ले आवां, इसनों भी परपेंडिकुलर ड्रा करके नीचे ले आवां, तो इस पी एक्स वाई का मतलब क्यों होता? मतलब होंगे एक्स वन इधर चले, डेफिनेटली वाई एक्सिस तो होगा, वाई वन उपर चले, ठीक है। यदा मतलब की होगा? यदा मतलब होगा वाई टू उपर चले, एक्स टू इस तरफ चले, ठीक है। हालांकि मेरी वाई एक्सिस की भी ओरिएंटेशन ठीक नहीं आई, टेढ़े बैठे होने करके होंगे मोबाइल के उत्ते, ठीक है। बोर्ड से तुम सारे पास घूम सकते हो, ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ लिख ली आपने, तो तुम्हें नज़र आ रहा एक्स ए पी एक्स वन वाई वन है, तो जो पी एक्स वन वाई वन है तो इस तरफ एक्स वन गए, उस तरफ वाई वन गए, एक्स टू वाई टू है। बाद फार्मूला रट्टा भी लग जाना, पर बंदे नूं पता तो होवे ना कि वो आया किवें, ठीक है जी। सो इत्थे मेरा पी है, इत्थे सो मैं पी क्यू आर ले लो, कोई एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हुण क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जे तुहाडा आ एंगल थीटा है, ठीक है जी, तो फिर तुहाडा आ एंगल भी थीटा ही होएगा, कोरसपोंडिंग एंगल होंदे ना लाइना दे उत्ते, तो ओ एंगल थीटा है तो ओ एंगल भी थीटा होएगा, ठीक है। स्लोप की डेफिनेशन तुसीं लाई है एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है, जबकि थोनों टेंजेंट गिवन नहीं हैगा तुहाडे कोल, कोई गल नहीं। हुण तुसीं देखो तुहाडे पास अगर मैं ट्राइंगल इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, केड़ी ट्राइंगल ले रहा मैं, क्यू एन पी दिख रही है जी सारे, क्यू एन पी दिख रही है, आ रहा क्यू आ रहा एन आ रहा पी, क्यू एन पी लै ली थोड़े पास। ये जे मैं थोनू कह पी एन कि होंगे, तो तुम मैं दस सकते हो पी एन कि होंगे, आ सारी चीज़ एक्स टू चो एक्स वन निकाल दो, सो एक्स टू माइनस एक्स वन है। तुम मैं ये कह क्यू एन कि होंगे, क्यू एन हाइट है, आ वाली हाइट का ना वाई वन है, वो वाई टू है, सो वाई टू माइनस वाई वन थोड़ी हाइट आ गई थोड़े को, ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है जी थोड़े पास यदि भी कोई दिक्कत नहीं, तो जे मैं टैन थीटे की डेफिनेशन लावा इस ट्रैंगल दे विच, ता टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होंगे, तो वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, टैन थीटा नूं आपां कहिंदे सी स्लोप, तो इहदा मतलब स्लोप लई एक नैक्सट फार्मूला तैयार हो गया। स्लोप लई फार्मूला की हैगा जी, जदों असीं स्लोप ऑफ लाइन डिफाइन करनी हैगी है, ठीक है, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਵਾਈ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਐਂਗਲ ਵਿਦ, ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਵਿਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, या एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या कह सकते हैं एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो अगर कितने वर्ड इंक्लीनेशन आ गया,
ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਂਗਲ ਇਨ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਹੂਜ਼ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਲੋਪ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ 60 ਡਿਗਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ 150 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ 120 ਡਿਗਰੀ, ਚਲੋ ਆਹ ਤਿੰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੀਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਤੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਐਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਂਜੈਂਟ 60 ਡਿਗਰੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਿਊਟ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਕਿਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ 60 ਡਿਗਰੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ 60 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਟੈਂਜੈਂਟ 150 ਡਿਗਰੀ, 150 ਓਬਟਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਐਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 150 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ 60 ਜੋੜੋ 90, ਜਾਂ ਫਿਰ 180 ਮਾਈਨਸ 30 ਲਿਖ ਲਓ, 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 30, 150, 180 ਮਾਈਨਸ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਟੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਸੋ -1/√3, ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ 120 ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਜੈਂਟ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਓਬਟਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੱਢਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟੈਂਜੈਂਟ 120 ਡਿਗਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਟਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 60 ਡਿਗਰੀ, 90 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ 60 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 30 ਡਿਗਰੀ, ਸੋ ਟੈਂਜੈਂਟ 90 ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਕੋਟ 30 ਡਿਗਰੀ, ਸੇ ਕੋਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਟੈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਡਰਾ ਨੇ, ਸਲੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਲੋਪ y2 - y1 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਜੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ, ਵਿੱਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉਲਟ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x1 ਕਹਿ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ y1 ਕਹਿ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x2 ਕਹਿ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ y2 ਕਹਿ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ, y2 - x2 - 1, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਦੀ ਫਿਜਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸੋ y2 - y1, y2 ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ 5, - y1 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2,
एक्स टू किन्ना जी माइनस वन, एक्स वन किन्ना तीन, सो इत्थे तीन आ गया, इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल माइनस चार आ गया, सो ये माइनस तीन वटा चार तुहाडी जिहड़ी हैगी है इसनूं असीं स्लोप कहिंदे हां तुहाडे कोल। ठीक है जी, मेरा ख्याल है तुहाडे पास भी बड़े तुसीं आराम नाल समझ गए होवोगे तुहाडे पास। ठीक है, जे आपां इक्वेशन लै लईए तुहाडे पास, ठीक है भाई, जिहड़ा इस चीज़ नूं होर सिग्निफाई करेगी किस तरह हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, सो लो होर देखो माड़ा जी, क्वेश्चन हैगा तुहाडे पास कहिंदा डिटरमाइन एक्स, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटरमाइन एक्स, एक्स लभो सो दैट द लाइन पासिस, सो दैट द लाइन पासिस थ्रू 3,4 एंड एक्स कॉमा 5 मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हुण ये जिहड़ा क्वेश्चन है इसने ना तुहाडे कोल दोनों डेफिनेशनां नूं कवर कर देना, तुहाडा दोनों डेफिनेशनां नूं कितना कवर कर देना तुहाडे कोल, डिटरमाइन एक्स सो दैट लाइन, ठीक है, लाइन पासिस थ्रू दिस मेक्स एन एंगल, ठीक है, लाइन केड़े एंगल बना रही है तुहाडे पास पॉजिटिव ना 135 डिग्री, जदों तुसीं 135 डिग्री दा एंगल बनाया, ठीक है जी, तो तुसीं इहनूं लिखोगे टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 45, सो तुसीं नैगेटिव टेंजेंट 45 लिखोगे, ये नैगेटिव 1, तो इहदा मतलब एक स्लोप तुसीं आ कट ली। ठीक है जी, दूसरी स्लोप कढ़न दा तरीका की हुंदा, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी स्लोप उसे लाइन दी स्लोप कढ़न दा ये तरीका है। अब वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू तुसीं इहनूं लिखिया 3,4, इहनूं लिखिया, तो तुसीं आह वाली चीज़ नूं एक्स वन लैणा, इहनूं वाई वन, इहनूं एक्स टू, इहनूं वाई टू, अदली बदली हो सकदा कोई दिक्कत नहीं, वाई टू 5 माइनस वाई वन 4, एक्स टू एक्स माइनस 3, सो ये भी स्लोप आ गई 1/x-3, सो ये 1/x-3 ये भी स्लोप आ गई, ये भी स्लोप आ गई, दोनों इको ही लाइन दिया स्लोप्स ने, जे दोनों इको ही लाइन दिया स्लोप्स ने तो तुसी दोनों स्लोप्स नू इक्वेट कर देना है, सो इहदा मतलब है 1/x-3, इधर लिखन लग्या जी मैं, ए वाला -1 दे बराबर हैगा है, सो जे तुसी आ चीज़ देखो तो इहदा मतलब की होया 1 = -x+3। ठीक है जी, सो इहनूं आपां इधर लै जाइए, तो जो ये -3 जाएगा -2 बराबर है -x, सो x = 2 आ गया तुहाडे कोल, सो ये दोनों क्वेश्चनस की एप्लीकेशन लई जिहड़ा हैगा बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन सीगा तुहाडे कोल, ते तुहानूं आराम नाल समझ आ गया होएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो तुसीं इत्थे तक तुहानूं स्लोप दा काफ़ी आइडिया हो गया, होर जिहड़े पार्ट है इहदे तुहाडे पास एंगल बिटवीन नाल, वो आपां नैक्सट लैक्चर च करदे हां तुहाडे कोल, थैंक यू।